सबसे घातक हथियार होगा जो दुश्मनों को 100 किलोमीटर दूर से ही नष्ट कर देगा। सबसे पहले आपको मीटियोर मिसाइल के खतरनाक गुण और काम की जानकारी देते हैं। मीटियोर का मतलब होता है उल्कापिंड। जब अंतरिक्ष से कोई उल्कापिंड धरती की तरफ आता है तो वो एक सेकंड में 11 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय कर लेता है। मीटियोर मिसाइल भी अपने दुश्मनों का पीछा तेज रफ्तार से करती है। इसका हमला भी सबसे अचूक होता है। मीटियोर एक रडार गाइडेड मिसाइल है, यानी एक बार लॉन्च किए जाने के बाद हवा में ही इसका लक्ष्य बदला जा सकता है। मीटियोर मिसाइल हवा में 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर मौजूद किसी दुश्मन विमान को नष्ट कर सकती है। यानी भारतीय सीमा से अगर कोई रफाल विमान इसे पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों पर लॉन्च करे तो मीटियोर मिसाइल 100 किलोमीटर तक उनका पीछा करके उन पर हमला कर सकती है। इस मिसाइल में एक खास बात ये भी है कि अगर कोई लक्ष्य मिसाइल से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर हो तो उसका बचना नामुमकिन है, और युद्ध की स्थिति में ये मारक क्षमता भारतीय वायुसेना के लिए वरदान की तरह है, और इस क्षमता की वजह से ही इस मिसाइल को स्मार्ट हथियार भी कहते हैं। रफाल का दूसरा दमदार हथियार है कैल क्रूज मिसाइल। इसकी मदद से रफाल फाइटर जेट जमीन पर मौजूद दुश्मन के कंट्रोल सेंटर या महत्वपूर्ण सैन्य अड्डों को बर्बाद कर पाएगा। अगर वर्ष 2019 में भारत के पास रफाल फाइटर जेट और स्कैल्प क्रूज मिसाइलें होती तो बालाकोट पर हमला भारतीय सीमा के अंदर से किया गया होता। स्कैल्प मिसाइल लंबी दूरी तक मार कर सकती है। इसके जरिए किसी निश्चित लक्ष्य पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई आसानी से की जा सकती है। किसी भी हथियार की सबसे बड़ी खासियत होती है दुश्मन को खबर दिए बिना हमला करना। स्कैल्प मिसाइल की हमला करने की रफ्तार करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन मिसाइलों की दुनिया में ये रफ्तार धीमी मानी जाती है। इसकी खासियत है जमीन के करीब उड़ना। इससे ये दुश्मन के रडार की नजरों से बच जाती है, और एक फायदा ये भी है कि लक्ष्य के करीब पहुंच जाने के बाद भी शत्रु को इसका पता नहीं चलता है। आपने हथियारों से जुड़ा एक शब्द सुना होगा, फायर एंड फॉरगेट, यानी दागो और भूल जाओ। स्कैल्प मिसाइल में ये खूबी है, यानी आपने एक बार इसे फायर कर दिया तो लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता ये खुद ही तय कर लेगी।